कश्मीर नाम सुनते ही मन में कई खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढके पहाड़ों की कल्पनाएं हिलोरे मारने लगती है। शायद ही कोई घुमक्कड़ ऐसा हो जो कश्मीर न जाना चाहे। आज मैं आपको कश्मीर की 5 सबसे ज्यादा सुंदर और आकर्षक जगहों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुखद सफर के एक और इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो में। कश्मीर की खूबसूरती की वजह से इसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है। हर कोई यहाँ आकर घूमना चाहता है। अगर आप भी कश्मीर में घूमने का प्लान बना चुके हैं तो मैं आपको यहाँ की 5 सबसे सुंदर जगहों की जानकारी दूंगा। गुलमर्ग। समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदान, सदाबहार जंगलों वाली पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है। गुलमर्ग को भी कश्मीर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। यह जगह अपने स्कीइंग एक्टिविटी और गंडोला राइड के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ दिखने वाली बर्फ बेहद रोमांटिक समा बांध देती है। गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, स्ट्रॉबेरी फील्ड, अपर्वत पीक यहाँ के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। पहलगाम। पहलगाम को पृथ्वी पर स्वर्ग का एक उदाहरण माना जाता है, जो करीब 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये श्रीनगर से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और घने जंगलों, खूबसूरत झीलों और फूलों के घास के मैदानों से घिरा हुआ है। ये छोटा सा शहर आपके सभी तनाव को दूर करने के लिए जाना जाता है और इसलिए यह जगह कश्मीर की सभी अच्छी जगहों में से एक है। पहलगाम लिद्दर झील में से रिवर राफ्टिंग, गोल्फिंग और पारंपरिक कश्मीरी वस्तुओं की खरीदारी के लिए भी प्रसिद्ध है। बेताब घाटी, मामम झील, शेषनाग झील यहाँ के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। पटनी टॉप। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के अंतहीन मैदानी और मनोरम दृश्यों के साथ पटनी टॉप प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेस्ट जगह है। यह जगह कश्मीर के प्रमुख आकर्षण केंद्रों में से एक है, जहाँ हर साल हजारों पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग और स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 17 किलोमीटर पैराग्लाइडिंग बेस भी मौजूद है, जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ इसका मजा बखूबी ले सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर पटनी टॉप पर्यटकों के लिए कश्मीर में घूमने के लिए सबसे आकर्षक जगहों में से एक बना हुआ है। सोनमर्ग। सोनमर्ग जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो समुद्र सतह से करीब 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ से आच्छादित पहाड़ों से घिरा हुआ सोनमर्ग शहर जोजीला दर्रे के पहले स्थित है। सोनमर्ग का शाब्दिक अर्थ है सोने से मैदान। इस स्थान का नाम इस तथ्य के आधार पर पड़ा कि वसंत ऋतु में यहाँ सुंदर फूलों से ढक जाता है, जो सुनहरा दिखता है। सोनमर्ग में खूबसूरत ग्लेशियर, शांत झीले और बर्फ से ढके पहाड़ इतने खूबसूरत लगते हैं कि कोई भी सैलानी यहाँ आकर आकर्षण से छूट नहीं सकता। यहाँ गंगाबल, विशनसर, गदर, सत्तार और किशनसर जैसी कई झीलें हैं। कृष्णासर झील भी यहाँ की खूबसूरत झीलों में से एक है। आप यहाँ मछली पकड़ने का लुत्फ भी बखूबी उठा सकते हैं। डल झील। डल झील श्रीनगर की प्रमुख झीलों में से एक है। इसमें हाउस बोट की सुविधा भी है। हाउस बोट में रहने के सारे इंतजाम होते हैं। होटल में तो सब अक्सर ही ठहरते हैं, पर आप हाउस बोट में ठहरने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। डल झील के मुख्य आकर्षण का केंद्र है यहाँ के शिकारे, यानी हाउस बोट। सैलानी इन हाउस बोट में रहकर झील का आनंद उठा सकते हैं। नेहरू पार्क, कानूटर खाना, चार चिनारी आदि द्वीपों तथा हजरत बल की सैर भी इन शिकारों में की जा सकती है। इसके अतिरिक्त दुकानों में भी शिकारों पर ही लगी रहती है और शिकारे पर सवार होकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी खरीदी जा सकती है। तरह तरह की वनस्पति झील की सुंदरता को और भी निखार देती है। कमल के फूल, पानी में बहती कुमुदनी झील की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही आगे भी इसी प्रकार की ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुखद सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।